नमस्कार, अब हम लोग चर्चा करेंगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन जनरल कितने तरीके की एबनॉर्मेलिटी पॉसिबल है प्लेसेंटा में, तो हम उन सारे टॉपिक को अब कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। तो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें कई अलग अलग तरीके के प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज पर हम चर्चा करेंगे, और इसमें एक बात समझना जरूरी है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो बनता है वो स्थमस से बनता है। इस बात को हम लोगों ने फंडामेंटल्स में डिस्कस किया है। इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट की लेंथ टर्म बेबी में 10 सेंटीमीटर होती है। ये बात हम लोगों ने ऑप्स के गायनी के जो फंडामेंटल लेक्चर्स थे उन्हीं में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। एक बात ये भी सवाल पूछा जाता है कि कैसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन से हम इसे तय करते हैं। तो यहां पर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम अटैच्ड होती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट से, इसलिए हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट को पहचान सकते हैं। इस इमेज में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहां पर स्थमस का हिस्सा, और यहीं पर लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है। आप देखें यहां पर लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, और इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। यहीं पर सिजेरियन सेक्शन जो किया जाता है, लोअर LSCS जो किया जाता है, वो इसी हिस्से में किया जाता है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहां पर किया जाता है उसको समझने के लिए आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट को समझना जरूरी है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर थिन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम अटैच्ड होती है, उससे हमें पता चलता है, और इसी की मदद से LSCS किया जाता है। अब एबनॉर्मेलिटीज पर प्रॉपर हम बात करें एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा का, तो यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई छोटा सा पार्ट प्लेसेंटा का मेन प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाए और ये सेपरेट होने के बावजूद कनेक्शन दोनों ही प्लेसेंटा के पार्ट्स के बीच में ब्लड वेसल की मदद से बना रहे, तो क्या रहे कि अगर प्लेसेंटा का कोई स्मॉल पार्ट मेन पार्ट से सेपरेट हो जाए लेकिन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ब्लड वेसल्स की बनी रहे, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं, या फिर प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा कहते हैं। तो चलिए एक इमेज के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। इस इमेज में प्लेसेंटा के दो पार्ट्स दिखाए गए हैं। देखिए ब्लड वेसल से दोनों के बीच में कनेक्शन है तो इसे कहते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा या फिर सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा इसे कहा जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा स्प्यूरिया के बारे में। तो यहां पर सक्सेंचुरिएटा में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन बना रहता है, लेकिन अगर ये कनेक्शन नहीं है, कोई ब्लड वेसल का कनेक्शन नहीं है, तो इसे प्लेसेंटा स्प्यूरिया कहते हैं। तो यहां पर प्लेसेंटा स्प्यूरिया क्या होता है इसको भी जान लें। तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं, प्लेसेंटा स्प्यूरिया में कोई ब्लड वेसल का कनेक्शन नहीं होगा, जबकि जब हम सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं तो वहां पर ब्लड वेसल का कनेक्शन था। अब एक बात और भी है कि नॉर्मली जब शेप हम देखते हैं, शेप के हिसाब से जब हम बात करते हैं, तो फीटल साइड और मैटरनल साइड जो प्लेसेंटा का होता है वो इक्वल होता है। नॉर्मली मैटरनल और फीटल साइड प्लेसेंटा के इक्वल होते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? अगर फीटल साइड मैटरनल साइड से स्मॉलर हो जाए तो क्या होगा? मैटरनल साइड और फीटल साइड बराबर होते हैं, ये बात तो पता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए एक प्रॉपर शेप होता है प्लेसेंटा का दिखने में। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि फीटल साइड स्मॉल हो जाता है, ऐसे कंडीशन में मैटरनल साइड इनक्लोज कर लेता है फीटल साइड को, और इस तरीके से ये एक रिंग के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, उसको इनक्लोज कर लेता है, जिसको हम सर्कमवैलेट प्लेसेंटा कहते हैं, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा के वेरिएशंस को। यहां देखिए सर्कमवैलेट प्लेसेंटा को दिखाया गया है, मैटरनल पार्ट जो प्लेसेंटा का है वो पूरी तरीके से फीटल पार्ट को इनक्लोज कर लिया है। यहां सक्सेंचुरिएट सक्सेंचुरिएट लोब दिखाया गया, ब्लड का कनेक्शन आपस में बना हुआ है। स्प्यूरिया में इस तरीके का ब्लड का कनेक्शन नहीं होगा। इस इमेज में भी हम देख सकते हैं सरकम वैलेट प्लेसेंटा के बारे में, यहां पर देख सकते हैं। इसी के पैरेलल यहां पर सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा की कंडीशन को भी दिखाया गया है। तो वन बाय वन हम हर एक कंडीशन को चलेंगे। अभी हम सरकम वैलेट प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि मैटरनल साइड पूरी तरीके से फीटल साइड को इनक्लोज कर देती है। यहां पर एक बात और भी याद रखना है कि चूंकि आप देखिए ब्लू कलर से मैंने दिखाया फीटल साइड, मैटरनल साइड ने उसको इनक्लोज कर दिया। एक प्रॉब्लम है, मैटरनल साइड जो इनक्लोज कर रही है वो अनप्रोटेक्टेड है। अनप्रोटेक्टेड होने की वजह से मैटरनल साइड में अगर अनप्रोटेक्टेड है, थोड़ी भी अगर वहां पर दिक्कत अगर होती है तो तुरंत ब्लीड कर जाएगा। इसलिए एंटी पार्टम हेमरेजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पर आप देखेंगे फीटल साइड जो कि इनक्लोज किए जाने की वजह से स्मॉल रह गया है, ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगा, इसलिए आईयूजीआर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आईयूजीआर इन फीटस क्यों है? क्योंकि सर्कुलेशन कम हो रहा है। जो कि मैटरनल साइड में एपीएच क्यों हो रहा है? क्योंकि अनप्रोटेक्टेड, ये मैटरनल साइड का जो प्लेसेंटल पार्ट है वो अनप्रोटेक्टेड है, इसलिए वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंटीपार्टम हेमरेजेस होने के चांसेस होते हैं। आपने देखा भी होगा फीटल साइड में क्या होता है, प्रॉपर प्रोटेक्शन होता है, जबकि मैटरनल साइड अगर ओवरग्रोथ कर जाए तो काफी हद तक अनप्रोटेक्टेड मैटरनल साइड होता है। आपने जो प्लेसेंटा के कभी आप इमेजेस मेरे पिछले लेक्चर्स में देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा मैटरनल साइड में प्रोटेक्शन नहीं होता है, फीटल साइड में होता है, शाइनी कलर का एक प्रोटेक्टिव लेयर आपको नजर आती है, फीटल साइड में वो होती है, मैटरनल साइड में नहीं होती, और वो एक्सेस ग्रोथ कर चुकी है, अनप्रोटेक्टेड है, इसलिए उस हिस्से में ब्लीडिंग या फिर एंटी पार्टम हेमरेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सरकम वैलेट प्लेसेंटा से जुड़ी हुई दो कॉम्प्लिकेशंस हमें याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है कि नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर पर इंसर्ट करता है। तो क्या होता है, नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर में इंसर्ट होता है, इस कंडीशन को कहते हैं सेंट्रल इंसर्शन ऑफ द प्लेसेंटा या सेंट्रल इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड, समझ रहे हैं? तो नॉर्मली क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर ऑफ प्लेसेंटा पर जाकर के इंसर्ट करता है, अटैच्ड होता है या इंसर्ट करता है, इस कंडीशन को कहते हैं सेंट्रल इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। अगर ये कंडीशन मार्जिनली हो जाए, अगर किसी एक साइड की ओर ये जाकर के अटैच होने लगे, यहां पर देखिए कॉर्ड सेंटर में अटैच्ड है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अगर ये साइड वाइज जाकर के अटैच हो जाए, अटैच कहां पर हो, मार्जिनली कहीं अटैच हो जाए, तो किसी एक साइड की ओर अगर ये अटैच हो गया, लैटरली अटैच हो गया, तो इसको कहते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा। अगर सेंटर में अटैच नहीं है अम्बिलिकल कॉर्ड तो इस कंडीशन को कहते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। तो इस तरीके से नॉर्मल और बैटल डोर को हम लोगों ने इमेज के माध्यम से देखा, अम्बिलिकल कॉर्ड के अटैचमेंट या इंसर्शन के आधार पर दो, एक नॉर्मल और एक वेरिएंट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा है। अब एक बात और समझ लें, कोरियोनिक विलाई जो प्लेसेंटा की होती है वो नॉर्मली अटैच्ड होती है इंडोमेट्रियम से, ये बात हम लोगों ने पढ़ा है।
ये इंडोमेट्रियम से अटैच्ड रहती है, ये और डीप में नहीं जाती, डेसिडुआ पर ही जाकर के कोरियोनिक विलाई जो प्लेसेंटा की होती है, ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो इंडोमेट्रियम के आसपास होता है, प्लेसेंटा भी वहीं पर डेवलप होता है, कोरियोनिक विलाई वहीं पर डेवलप होती है डेसिडुआ में। लेकिन अगर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट और डीपली होने लगे, मायोमेट्रियम में होने लगे, कोरियोनिक विलाई अटैच्ड हो जाए सुपरफिशियली टू द मायोमेट्रियम, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सुपरफिशियली अगर वो अटैच्ड होता है, डीपली अटैच्ड होता है, और इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं अगर वो सिरोसा तक पहुंच करके अटैच्ड हो जाता है तो नाम बदलते रहते हैं। अगर कोरियोनिक विलाई सुपरफिशियली मायोमेट्रियम से अटैच्ड होता है तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा, एक्रेटा, और अगर ये डीपली अटैच्ड हो जाए मायोमेट्रियम में तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। और इसी तरीके से अटैचमेंट और बाहर जाकर के डीपली और आउटर साइड में जाकर के सिरोसा तक हो जाए तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, और मैंने आपको बताया है कि प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा, ये तीनों के तीनों मॉर्बिडली अधेरेंट प्लेसेंटा होते हैं। बहुत बड़ी समस्या इनसे हो सकती है, इसीलिए यहां पर जो इस तरीके से भीतर तक जाकर के जो इम्प्लांटेशन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर नीटाब्यूक्स लेयर अब्सेंट थी। इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। नीटाब्यूक्स लेयर क्या होती है, इसको इमेज के द्वारा मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर दिक्कत यह है कि रिस्क फैक्टर क्या है प्लेसेंटा एक्रेटा के लिए। तो यहां पर प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट प्रेगनेंसी में हो, प्रेजेंट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया हो, ऐसा प्रीवियस प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेजेंट प्रेगनेंसी में होना चाहिए प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन का हो, ये भी चीजें हो सकती हैं यहां पर प्लेसेंटा एक्रेटा के लिए। तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी क्या है, वो प्लेसेंटा प्रीविया यानी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ऑपरेट करके बच्चे को डिलीवर किया गया है, बेबी को डिलीवर किया गया, तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन है, तो ये भी प्लेसेंटा एक्रेटा के लिए रिस्क फैक्टर है। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, तो सिंपल मैनेजमेंट है आफ्टर प्लेसेंटा एक्रेटा का, जो सिंपल मैनेजमेंट है हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रेक्टोमी यानी यूट्रस को ही निकाल देना। तो यहां पर टोटल एब्डोमिनल हिस्ट्रेक्टोमी या फिर जिसको हम सिंपल हिस्ट्रेक्टोमी कहते हैं वो यहां पर किया जाना चाहिए।